इधर एडमिट करते जाना उसको ना। देखो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था महाराणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो बाकी रह गए, जिसका मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर है लोक हितम मम करणीयम, अर्थात जन कल्याण ही हमारा क्या है, लोक यानी जन, लोग हितम यानी कल्याण, मम यानी हमारा, करणीयम यानी कर्तव्य है, यानी लोक हित ही हमारा कर्तव्य है, लोक हित ही हमारा क्या है, करने योग्य है। तो स्टूडेंट देखो, अब हम पहले तो इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें प्राचीन काले आभारतम, बुक में ध्यान से देखना, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, जिस अगर आप बुक में नहीं देखोगे तो वैसे आपके सुनने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कहानी नहीं है जो सुनने से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। प्राचीन काले आभारतम आबलावर्धम च प्रसूता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल से आभारतम यानी भारत में आप बालय, बालय यानी बच्चे, वृद्धो यानी वृद्ध, ठीक है, यानी प्राचीन काल से आभारतम, आभारत यानी संपूर्ण भारत में, प्राचीन काल से ही संपूर्ण भारत में बालक से लेकर वृद्धम यानी वृद्धों तक प्रसरिता यानी प्रसारित है, क्या है, संस्कृत वाणी। यानी प्राचीन काल से संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था, आसीत यानी था। अनंतरम चीर कालम यावत, अनंतरम यानी इसके बाद, चीर कालम यानी, चीर कालम यानी लंबे समय से, यावत यानी लंबे समय तक, उत्तरोत्तर यानी उत्तरोत्तर घटनायाम घटती हुई, ईम यानी यह, छिना यानी कम, आसीत यानी जाता यानी हो गई। यानी पहले तो इसका प्रचार प्रसार बहुत था, किसका, संस्कृत वाणी का, और जैसे जैसे समय आया वैसे वैसे इसकी वो क्या होती जा रही है, छिन्नता होती जा रही है, कमी होती जा रही है। अद्यत्वे पुनर्यम कश्चित वर्धमाना दृश्यते, अद्यत्वे यानी आजकल, पुनः यानी फिर, ईम यानी यह, कश्चित यानी कुछ, वर्धमाना यानी बढ़ती हुई, दृश्यते यानी दिखाई देती है, और आजकल फिर से यह कौन, यानी संस्कृत वाणी का जो प्रसार प्रसार है ये आजकल फिर से बढ़ता हुआ दिखाई नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। पूरा पूरा यानी प्राचीन, कदाचित यह भारते अजस्रम प्रवहंती इयम संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात अवतारणीया इति विद्धाः नैकै भगीरथाः प्रयत्नवन्तः सन्ति। पूरा यानी प्राचीन काल से कदाचित यानी कभी भी, इदम यानी यह, भारत यानी भारत में, अजस्रम यानी निरंतर, प्रवहंती यानी बहती है, प्रवहंती यानी बहना, प्रवाह है ना, प्रवहंती इयम संस्कृत गंगा, इयम यानी यह संस्कृत रूपी गंगा, पुनरपि फिर भी, लोकहिता यानी लोक हित के लिए, देवलोकाद यानी देवलोकों तक, अवतरणिया यानी अवतरित करनी चाहिए। तो प्राचीन काल में, प्राचीन काल से कभी यहाँ भारत में, यानी पहले यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोक हित के लिए देवलोक में अवतरित होनी चाहिए। कहाँ अवतरित होनी चाहिए, देवलोक में अवतरित होनी चाहिए। इति विधा अनेकई भागीरथा परियतना, इति यानी ऐसा सोचकर, विधा यानी सोचकर, इति यानी ऐसा, ऐसा सोचकर नैकई यानी अनेक, भागीरथा यानी भागीरथ, राजा भागीरथ ने गंगा नदी, राजा भागीरथ थे वही तो लाए थे गंगा नदी, तो इसी तरह संस्कृत, संस्कृत को भी एक गंगा का प्रवाह माना गया है।
तो इसी प्रकार ये बात सोचकर, क्या बात सोचकर, कि फिर से संस्कृत रूपी गंगा को इस लोक हित के लिए कहाँ अवतरित होनी चाहिए, देवलोक में अवतरित होना चाहिए। तो यह विधा यानी ऐसा सोचकर नैक यानी अनेक भगीरथा यानी भागीरथ है वो प्रयत्न बनते हैं यानी प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा सोचकर अनेक भगीरथ है वो प्रयत्न कर रहे हैं यानी प्रयत्नशील है। तेन च चतुर दिक्षु संस्कृत जगति कश्चित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन यानी उससे चतुर यानी चार दिक्षु यानी दिशा, चारों दिशाओं में संस्कृत जगति यानी इससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगति यानी संस्कृत जगत में किश्चित यानी कुछ स्पंदन, स्पंदन का मतलब अपने जो बुक है इसका नाम भी क्या है, स्पंदना है ना। तो स्पंदन का पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पंदन का मतलब क्या होता है, स्पंदन यानी क्या होता है, हलचल, क्या होता है, हलचल, ठीक है। तो उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण हुआ अवलोक्यते, यानी चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्धं। संस्कृतानुकूलस्य यानी संस्कृत के अनुकूल वातावरणस्य यानी वातावरण का निर्माणम यानी निर्माण, आरब्धम यानी शुरू कर दिया गया है यानी शुरू हो चुका है। कहने का मतलब यह कि संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण शुरू हो गया है। बहु कालात अनंतरम विद्यालयेषु अधीयानाः लघ्वः बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः दृश्यते। बहु काल, बहु यानी बहुत काल यानी समय के, अंतरम यानी बाद, यानी बहुत समय के, लंबे समय के बाद या लंबे समय के बाद विद्यालयेषु यानी विद्यालयों में अधीयानाः यानी अध्ययन पढ़ते हुए, विद्यालयों में पढ़ते हुए लघुए यानी छोटे छोटे बालका यानी बालक, छोटे छोटे बालक अपि यानी भी तत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ संस्कृतेन यानी संस्कृत में संभाषणम यानी भाषण कुर्वन्ति करते हुए यानी भाषण यानी बातचीत करते हुए दृश्यन्ते यानी नजर आते हैं। यानी बहुत समय के बाद विद्यालयों में भी पढ़ते हुए यानी अध्ययन करते हुए छोटे छोटे बालक हैं वो भी संस्कृत में बातें करते हुए नजर आते हैं। तो इसमें एक शब्द है दृश्यन्ते, तो इसमें कौन सा, कौन सी तो धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, दृश्य धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यन्ते यानी बहुवचन है, तो दृश्यन्ते। लकार है कौन सा, लट लकार, ठीक है। धातु कौन सी है, दृश्य धातु है, दृश्य पश्ये, इसका मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। लट लकार के प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है, बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप जब व्याख्या करते हो तो उसके नीचे जो विशेष दिया जाता है ना, विशेष हमें लिखना पड़ता है, तो उसमें जो ग्रामर जो टॉपिक का व्याकरण की जो टिप्पणियां है वो आपको लिखनी पड़ती है, जिससे आपके नंबर है वो अच्छे आते हैं, ठीक है। तो बाला नाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानी अपि एक है सरल है उपक्रम है। बालान यानी बालकों के आकर्षणा यानी बालकों के आकर्षण के लिए, बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीतानी यानी संस्कृत गीत, बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत अपि भी एक है सरल उपक्रम है। यानी संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम का मतलब क्या होता है, उपाय, यानी बालकों को, जब हम बालकों को पढ़ाते हैं, जैसे कविता है, कविता पोइम है,
तो उसको पढ़ाते हैं तो उसको लयबद्ध तरीके से जब हम उसको गाते हैं यानी सस्वर वाचन करते हैं तो बालकों का जो मन है वो उस कविता की ओर क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और बच्चे हैं वो बार बार उसको गाते हैं। तो इसी प्रकार संस्कृत में भी श्लोकों को लयबद्ध तरीके से गाया जाता है तो वो बिल्कुल सरल करके तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो ये भी एक क्या बताया गया है, यानी आकर्षण, यानी गीत की गीत के आकर्षण का एक उपाय बताया गया है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारों अपि अनायासम जयंते। तेन यानी उससे संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा के संस्कारों अपि यानी संस्कार भी यानी उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायासम जन्यते, अनायास जन्यते यानी हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, यानी जिससे संस्कृत भाषा के संस्कारों का भी क्या हो जाता है, संस्कार है वो अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, सीख जाते हैं। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नाना विधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु यानी बीते हुए, केषुचित् यानी कुछ, वर्षेषु यानी वर्षों में, यानी जो समय बीत गया यानी बीते हुए कुछ वर्षों में अर्थात कुछ बीते हुए वर्षों के बाद नाना विधानि, नाना यानी अनेक प्रकार के, विधानि यानी गी, नाना विधानी नवानी यानी नए संस्कृत गीतानी यानी संस्कृत गीतों की रचितानी यानी रचना की गई है, यानी बीते समय में यानी कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के संस्कृत गीतों की रचना की गई है। पाठे अस्मिन् अति सरलया भाषया सरलया च शैल्याः संस्कृत गीत एकम प्रस्तुयते। यानी अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अति यानी अत्यधिक, सरलयाः यानी सरल, भाषा यानी भाषा में, इस पाठ में जो हमें ये गीत दिया गया है, कौन सा गीत, लोक हितमम करणीयम, ये जो गीत दिया गया है इसकी भी भाषा कैसी है, सरल है, और शैली है वो भी कैसी है, सरल है। शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते, यानी संस्कृत को, इस गीत को सरल भाषा में और शैली में प्रस्तुत किया गया है। आयांतु आओ, पठंतु पढ़ो, आओ पढ़ो, पठंतु में कौन सा लकार है, धातु अगर पठ तो लकार कौन सा है, लोट लकार है, लोट लकार, आज्ञा दी गई ना, आओ पढ़ो आज्ञार्थक, पठतु पठतां पठन्तु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, सॉरी लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो इसमें आज्ञा दी गई है कि आओ आगंतु यानी आओ, पठन्तु पढ़ो, श्रुण्वन्तु सुनो, आओ पढ़ो और सुनो, अभ्यस्यन्तु अभ्यास करो, आओ बैठो पढ़ो और अभ्यास करो सुनो, गायन्तु और क्या करो, गाओ, च और अतीव सरलम तरलम सरसम च गीत इदम। तो यह गीत अत्यंत सरल, तरल और सरस, इस गीत को आओ गाओ बैठो सुनो और पढ़ो, ठीक है। तो लोक हितम मम करणीयम यानी लोक हितम, लोक हित ही हमारा क्या है, कर्तव्य है, लोक हित ही हमारा करने योग्य है। तो मनसा सततम स्मरणीयम वत्सा सततम वंदनीयम लोक हितम मम करणीयम। मनसा यानी मन से, सततम यानी निरंतर, स्मरणीयम ये क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, यानी मन से हमेशा क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए अर्थात याद करना चाहिए। मन से यानी किसको, हमें, हमें याद करना चाहिए, हम कौन है, मनुष्य, अर्थात मनुष्य को हमेशा सततम यानी हमेशा या निरंतर स्मरणीयम यानी याद करना चाहिए। वत्सा यानी वाणी से, सततम यानी निरंतर, वंदनीयम, वंदनीयम यानी बोलना
चाहिए और वचनों से हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। लोक हितम करणीयम, क्या बोलना चाहिए कि लोक कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, लोक कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। तो देखो, मनुष्य को सदैव मन से तो क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वचन से क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मन से वचन से हमें एक ही बात स्मरण करनी चाहिए, बोलनी चाहिए कि लोक हित ही हमारा क्या है, कर्तव्य है, जन कल्याण ही हमारा करने योग्य है। हमें किसका कल्याण करना है? लोक का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है। समझ में आया? अगला है, न भोग भवने स्मरणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर निस जागरणीयम लोक हितम करणीयम। न यानी नहीं, भोग भवने यानी न भोग भवने रमणीयम न। देखो इसमें ये जो श्लोक है इसकी संस्कृत व्याख्या भी आएगी और आपकी हिंदी व्याख्या भी आएगी, ठीक है? तो पहले तो हम ये देखेंगे, हिंदी व्याख्या में तो हमने कर ली, तो संस्कृत व्याख्या इसकी कैसे करेंगे? जैसे मनसा, मन से सततम यानी निरंतरम स्मरणीयम यानी हमें क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो स्मरणम को आप क्या कहोगे? वंदनीयम। स्मरण का मतलब वंदनीय। तो आप कैसे बोलोगे कि मनुष्य को हमेशा यानी मनुष्य यानी मानव को, मनुष्य को संस्कृत में क्या बोल दोगे? मानवः। निरंतरम यानी सदैव, है ना, मनुष्य सदैव निरंतर हृदय स्मरणम कुर्वन्तु। मनुष्य को हमेशा हृदय में से स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वंदनीयम, वचसा यानी वाणी से, तो वाणी को आप क्या कहोगे? वाण्या यानी वाणी। तो वाण्या निरंतरम यानी निरंतर, वाणी से निरंतर वंदनीयम अर्थात वक्तव्य बोलना चाहिए, है ना। क्या बोलना चाहिए कि यत यत लोक कल्याणम एव मे कर्तव्यम, कि जो जो लोक कल्याण है वो ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसका संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो आगे है, न भोग भवने रमणीयम न सुख सयने सयनीयम अहर निस जागरणीयम लोक हितम करणीयम। नहीं करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए? भोग भवने यानी इस संसार, भवने यानी संसार में रहकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जो भवन है उसमें हमें शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें निरंतर जन का कल्याण करना चाहिए, लोक हित का कल्याण करना चाहिए। भोग प्रसाद वाला, भगवान वाला भोग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो न भोग भवने रमणीयम यानी हमें न च सुख सयने सयनीयम और नहीं चयन और सुख सयने यानी सुख से सयने यानी सोना चाहिए, सयनीयम और हमें सुख से सोना नहीं चाहिए। अहर निसम, अहर निसम का मतलब क्या होता है? अहर निसम रात, अहम यानी होता है दिन, निसम यानी क्या होता है? रात। अहर निसम, अहर च निसम च, तो इसमें समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो यानी
मानव को भोग भवन में न रमणीय यानी नहीं क्या करना चाहिए, रमणीय रमण नहीं करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, और न सुख सैन्य सैन्यम और न ही सुख सैन्यम यानी सुखद पूर्वक सैया पर क्या नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, और अहम निशम जागरणीयम और अहम यानी दिन निशम यानी रात को रात दिन जागरणीयम यानी जागते रहना चाहिए। किसके लिए? अपने लोक कल्याण के लिए, क्योंकि हमारा ये एक क्या है, कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, लोक का कल्याण करना चाहिए, यानी जल कल्याण ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। यानी मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवनों में रमण नहीं करना चाहिए, ठीक है, और सुख सैया पर नहीं सोना चाहिए, रात दिन जागते रहना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। समझ में आया? चले आगे। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्यम क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम, न यानी नहीं, जातुम यानी कभी, दुखम यानी दुखों की गणना, यानी हमारे ऊपर से कितनी भी विपदा आए, कितने भी दुख आए, हमें उन दुखों की गणना नहीं, गिनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, और जो राष्ट्र के प्रगति के लिए जो निरंतर प्रयत्न करता है वो कभी सुख दुख की बातें नहीं करता है, सुख दुख की गणना नहीं करता है। इसलिए इस श्लोक में यही बताया गया है कि हमेशा निरंतर दुख की यानी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए, और न ही निज सौख्य मननीयम, और हमने जो सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उसका कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, मनन नहीं करना चाहिए, उसको स्मरण नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र यानी कार्य क्षेत्र में त्वरणीयम, त्वरणीयम का मतलब है जल्दी करना, हम कार्य के लिए हमें यानी कार्य करने के क्षेत्र में हमें जल्दी कार्य करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, क्योंकि जन कल्याण ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। यानी दुखों को हमें कभी भी मानना नहीं चाहिए, और न ही अपने सुख का कभी मनन करना चाहिए, और अपने कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, अपने कार्य में हमेशा क्या करनी चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि हम लोक कल्याण के लिए ही निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, जन कल्याण ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये पढ़ना है और अच्छे से याद भी करना है।